क्या सिर्फ फेसबुक लाइव करना सीएम का काम है? उनके नेता कहते थे खट खटाखट दे दो, एक रुपया भी नहीं दिया, लेकिन हमारी सरकार ने पट पटापट उनके खाते में पैसे डाल दिए। आने वाले चुनाव में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने प्रूव किया है, उबाटा जो है यूबीटी, उससे हम 13 जगहों पर लड़े थे सामने सामने, हम 7 जगह चुनकर आए, उनके जितने भी गढ़ थे वो हमने तोड़ दिए, ध्वस्त हो गए, जनता ने तोड़ दिए। महाविकास आघाड़ी MVA के कार्यकाल में महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे था, हम आते ही छः महीने में महाराष्ट्र को नंबर 1 पे लाया, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आज महाराष्ट्र GDP में फर्स्ट है, आज महाराष्ट्र FDI में फर्स्ट है, आज महाराष्ट्र GST में फर्स्ट है, आज महाराष्ट्र क्लीनलीनेस पे फर्स्ट है, और आज कल्याणकारी योजना जो है, वेलफेयर स्कीम जो है, ये मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहना योजना है, मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना है, अप्रेंटिसशिप वाली योजना है, जो स्टाइपेंड देने वाली योजना है, लड़कियों को मुफ्त में हायर एजुकेशन देने वाली योजना है, डॉक्टर वकील इंजीनियर बनना है वो योजना है, सभी योजनाएं हमारी शुरू है। मुझे काफ़ी खुशी है कि 2 साल में हमने बहुत कुछ करने की कोशिश की है। सर 24/7 आपका, अगर बिना रुके बिना थके लगातार काम करते हैं, कोई छोटे से छोटा त्यौहार का कहीं भी छोटी कहीं चौल में जाना हो या बड़ी जगह जाना हो, आप कहीं भी नहीं रुकते, आप हर जगह जाते हैं, ऐसे लोकप्रिय नेता के रूप में आपको उभरे हैं इन सालों में। और आप अगर विपक्षी पार्टियों की बात की जाए तो आपको कहीं ना कहीं कठपुतली कहा जाता था कि आप एक कठपुतली की तरह है, आपको उस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन वही जनप्रिय नेता कैसे हो? मुझे इस बात की खुशी है कि 2 साल में जो हमने हार्ड वर्किंग की है उसका एप्रिसिएशन खुद हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उन्होंने कहा है एक बहुत ही मेहनती, ईमानदार और जवान देके जवान को कमिटमेंट को मानने वाला एक कार्यकर्ता। अमित भाई भी हमारे साथ पीछे खड़े हैं, उन्होंने भी काफ़ी हमें सहयोग किया। मोदी जी महाराष्ट्र में आते समय बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि हमारा काम देखकर वो आने के बाद हमें भी खुशी होती है कि महाराष्ट्र में मोदी जी आते हैं तो महाराष्ट्र को कुछ ना कुछ देख के जाते हैं। आज केंद्र और राज्य सरकार एक ही विचारधारा वाली दोनों पार्टियां हैं, राज्य भी एक विचारधारा, केंद्र भी विचारधारा, ये डबल इंजन की सरकार जो हमारी है उसकी वजह से हमें काफ़ी फायदा हुआ है। हमारा हर एक प्रस्ताव को वो पारित कर देते हैं, हमें बहुत मार्गदर्शन भी करते हैं और उनके मार्गदर्शन में हमें काम करने का सौभाग्य मिला है। हमें जब भी कुछ भी तकलीफ होती है, मैं एक बात कहूँगा कि कोऑपरेटिव सेक्टर में शुगर इंडस्ट्री जब तकलीफ में थी तो सहकारिता मंत्री अमित भाई ने 10,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स वेव कर दिया आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में। तो ये जो है हमें इसका फायदा हो रहा है, और इसलिए मैं 24/7 आपने कहा है, सही बात है, मैं खुद को एक CM मीन्स कॉमन मैन समझता हूँ। मैं क्या हूँ, क्या CM मीन्स कुछ ऐसा अलग कोई जादू होती है या कोई ऐसा कुछ उनका कुछ अलग, मैं नहीं मानता, मैं कॉमन मैन खुद को मानता हूँ, इसलिए मैं मेरा प्रोटोकॉल ये वो सब मेरे आड़े नहीं आता, मैं सीधा लोगों में जाता हूँ, लोगों की सुनता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, किसानों के खेती पे जाता हूँ, जब उनका नुकसान होता है बारिश में तब मैं उनसे बात करता हूँ, उनके आंसू पोंछता हूँ, सिर्फ आंसू पोंछता नहीं उनको हेल्प करता हूँ। किसानों को हमारी सरकार ने हमेशा मदद की है, किसान हमारे सरकार के तिजोरी पर पहला अधिकार जो है हमारे बलि राजा किसान का है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए हमने नुकसान भरपाई देने में 15,000 करोड़ रुपये 2 साल में दिए, उनकी योजनाओं अलग अलग योजनाओं 6,000
रुपया प्रधानमंत्री जी देते, सालाना 6,000 हम देते, 1 रुपये में क्रॉप इंश्योरेंस देते, प्रीमियम हम भरते। अभी हमने उनको 7.5 HP पंप से खेती करने वालों को बिजली का बिल माफ़ कर दिया है। कई योजना है, मांगे उसको सोलर, मांगे उसे किसानों को कई योजना है। 45,000 करोड़ रुपया हमने किसानों के ऊपर सरकार ने खर्च किए हैं। ये किसानों की सरकार है और इसलिए हम जाते हैं, जब कोई आपदा आती है तब हम वहाँ पहुँचते, उनको मिलते, उनके सांत्वन करते, उनको मॉरल सपोर्ट देते। तो ये मुख्यमंत्री का काम क्या है? मैं रास्ते पे जाता हूँ, मुंबई के रोड बना रहा हूँ, नालों की सफाई बारिश में जाती है, मैं देखने को जाता हूँ। जहाँ पर आज मैं कोंकण गोवा रोड पे गया, मैं जाने की वजह से, मुख्यमंत्री आने की वजह से पूरी यंत्रणा सिस्टम अलर्ट होती है। लोग कहते हैं विपक्ष वाले, ये क्या सीएम का काम है रोड पे जाना? तो क्या घर में बैठना सीएम का काम है? क्या सिर्फ फेसबुक लाइव करना सीएम का काम है? हम फेस टू फेस काम करने वाले लोग हैं, लोगों से मिलने वाले हैं, हम सुनने वाले हैं। ये हमारी सरकार सुनने वाली सरकार है, बोलने वाली सरकार है, हमारी बहरी सरकार नहीं है, गूंगी सरकार नहीं है। और इसलिए इसका मुझे नाज है कि आज कुछ ही समय में लोग कहने लगे ये अपनी सरकार है। मराठी में सरका कहते आपले सरकार लड़क सरकार, मेरी लाडली बहन योजना फेमस हो गई, सुपर हिट हो गई। तो क्या क्या ये क्या गलत है? क्या लोगों में जाना, लोगों का दुख दर्द सुनना, लोगों से बात करना? मेरे पास हजारों लोग आते हैं, मुख्यमंत्री सहायता योजना, मुख्यमंत्री सीएम जो हमारी स्कीम है, उसमें 350 करोड़ रुपया 2 साल में हमने दिए, पिछले सरकार ने सिर्फ 2 करोड़। क्या ये पैसे किसके हैं? ये लोगों के पैसे हैं, लोगों की जान बचाने के लिए इसको खर्च करना चाहिए। तो मैं कहीं पर भी मंत्रालय में, मेरे घर पे, गाड़ी में, प्रोग्राम में, कहीं पर भी मुख्यमंत्री सीएम रिलीफ फंड, सीएम रिलीफ फंड का पर्चा आता है, मैं तुरंत साइन करता हूँ। 1 लाख लोगों की जान बच गई है, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, मैं बहुत ही समाधानी हूँ। लेकिन सर, अगर बात करें, आपने कहा कि लाडकी बहन योजना सुपर प्रिय योजना बन गई, लेकिन ये सुपर हिट योजना को लगातार इसकी जो है आलोचना हो रही है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि लोकसभा में महाराष्ट्र में आपकी डबल इंजन की सरकार फेल हुई, अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाई, और अब ये रेवड़िया बांटना है, मतलब ये फ्रीबीज जो आप दे रहे हैं ये सिर्फ लोक लुभावन है, सिर्फ जनता का दिल जीतने के लिए आप लोग कर रहे हैं, इलेक्शन जीतने के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा टोल टैक्स फ्री किया है, तमाम जो भी अभी फिलहाल आप लोग कर रहे हैं सर, ये सब अनएक्सपेक्टेड है विपक्ष के लिए, क्योंकि उनको लग रहा था एक क्या करने वाले हैं, ये कठपुतलिया है। उनको ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी जोरों से ये स्कीम चलाएंगे, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे, इंडस्ट्री इनके ऊपर भरोसा करेगी, क्योंकि हमारी सरकार लोगों के लिए काम करती है और पिछली सरकार खुद के लिए काम करती थी, खुद की प्रॉपर्टियाँ बनाने के लिए, खुद का स्वार्थ के लिए। हमारी सरकार लोगों के लिए काम करती है, क्योंकि जैसे कांग्रेस महाविकास आघाड़ी कर्नाटक में बोली हम ये करेंगे वो करेंगे, सरकार आने के बाद बोलते पैसे नहीं है, हिमाचल में योजना बंद कर दी, राजस्थान में बोले किसानों की कर्ज माफ़ करेंगे, 300 किसानों ने आत्महत्या कर ली, कोई उनके नेता कहते थे खट खटाखट दे दो, 1 रुपया भी नहीं दिया, लेकिन हमारी सरकार ने पट पटापट उनके खाते में पैसे डाल दिए। लाडली बहन योजना के पैसे कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं अटकने चाहिए, इसलिए अक्टूबर के पैसे, नवंबर के पैसे भी हमने अक्टूबर में दे दिए। अभी आपको मैं कहता हूँ, नवंबर 20 को चुनाव है, 23 को रिजल्ट है, उसके बाद इसी नवंबर में हम दिसंबर के पैसे देंगे, क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। आज किसी ने कहा ऐसे थोड़ी पैसे बांटते, क्या ये क्या हमारी पिताजी की प्रॉपर्टी है क्या? ये पैसे क्या हमारे हैं? ये जनता के पैसे हैं,
ये जनता को ही देनी चाहिए। पूछो वो मेरी लाडली बहना को क्या गरीबी है उनकी, ये 1,500 महीने के उनके कितने मददगार हो रहे हैं। मैं भी एक गरीब परिवार से, मैं किसान परिवार से हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं गरीब परिवार से आया हूँ, गरीबी मैंने देखी है। मेरी माँ कैसे घर चलाती थी, कैसे फीस भरती थी, कैसे दूध के पैसे बिल भरते, कैसे राशन, कैसे क्या, ये सब चलाते वक्त तो मैंने देखा है। मेरी पत्नी मेरा कैसे घर चलाती थी, तब मैंने सोचा था जब मेरे पास अधिकार आएंगे तो मैं जरूर मेरे लाडले बहनों के लिए, माताओं के लिए, मेरे लाडले किसानों के लिए, मेरे लाडले बहन भाइयों के लिए, मेरे लाडले बुजुर्गों के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करूँगा। और जैसे मेरे पास अधिकार आ गए, मेरे दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी, अजीत दादा, इनको मैंने कहा हमें ये करना है और हमने कर दिया। ये विपक्ष को हजम नहीं हुआ है, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है, उनके सीने में धड़की भरी है, अब क्या होगा, अब हम हारने वाले। तो बोलेंगे इसको बदनाम करने, या क्या 1500 रुपये क्या होता है, 1,500 रुपये क्या होता है, ये 1,500 क्या है, इतने से पैसे से क्या होता है, फिर ये क्या रिश्वत है क्या, ये बिकत ले रहे क्या। अरे आप बोल रहे हमारे पास पैसे नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो आप कहाँ से दोगे। ये जो है ये विरोध करने वाले लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने उनको फटकारा है, फिर अभी नागपुर के कोर्ट में गए, कांग्रेस वाले गए, महाविकास आघाड़ी के लोग गए, मुंबई हाईकोर्ट में मुंबई में गए थे। हमारी लाडली बहना, आपके चैनल से मैं कहता हूँ, लाडली बहना इनको माफ़ नहीं करेगी। ये रोड़े डालने वालों को जरूर, वो मराठी में जोड़े कहते हैं, मतलब जूते दिखाएंगे, और निश्चित रूप से आपको बताऊंगा मैं कि ये जो सौतेले भाई जो है, ये इनसे बहुत सजग है वो लोग, और आने वाले चुनाव में मेरी लाडली बहना जो है, मैंने कहा है कि हम सिर्फ 1500 रुपये तक सीमित नहीं रहेंगे, आशीर्वाद मिले तो हम बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। मेरी बहनाओं को लखपति बनाने का हमारा सपना है, ये देने वाली सरकार है, ये मेरा चैलेंज है और हम करके दिखाएंगे। लेकिन खटखटाकर वादे करने वाले अब खुद उनके अध्यक्ष है, यानी कि कांग्रेस की जो उनके अली पार्टी है, कांग्रेस के अध्यक्ष अब ये कह रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने हिदायत दी, अपने लीडर्स को कहा है कि कर्नाटका में फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न हो गई है, इतनी योजनाओं का ऐलान किया जो कि पूरा नहीं हो पा रहा है, महाराष्ट्र में ऐसे कोई भी वादे नहीं करना कि जो पूरा नहीं हो पाए। आप खुद वो सामने से आके ये बात है। सही बात है, क्योंकि देने की उनकी नीयत नहीं है, देने का कभी उनको पता नहीं, उनको लेने का पता है कांग्रेस को, और उनको ये मालूम है। एक बार राजीव गांधी जी ने कहा था केंद्र 1 रुपया देता है तो जो एंड यूजर है जो उसको 15 पैसे मिलते हैं, मतलब करप्शन कितना, 85%। हमारे मोदी जी 1 रुपया भेजते तो पूरा 1 रुपया बंदा हमारे डीबीटी में जाता है, तो उन्होंने देना सीखा नहीं है। और दूसरी बात, हमने पूरा RBI केंद्र सरकार सबकी गाइडलाइन फॉलो की है, हमने GDP के 25% लोन उठा सकते हैं, हमारा लोन 17.5 है, हम FRBM के 3% से अंदर है, हर गाइडलाइन को हम फॉलो करते हैं, कोई वायलेशन हमने नहीं किया है, इसलिए हम पूरे साल का बजट इनके लिए रखा है, इसलिए ये योजना बंद नहीं होगी। मैं कहता हूँ कोई भी माइका लाल आवे, ये मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना बंद करेगा नहीं, बंद होगी नहीं, हम बंद होने नहीं देंगे। अभी क्या बोलते हैं, जितनी योजना की उसकी इंक्वायरी करेंगे, ये बंद करेंगे, चौकसी करेंगे, और जिन्होंने जो दोषी पाए उनको को जेल में डालेंगे, मतलब हमने शुरू किया, हमारे को जेल में डालेंगे, सबको जेल में डालेंगे, क्या उनकी उनको इसका मतलब है। ये लाडली बहना के वजह से बहुत वो उनको हजम नहीं हुआ है, वो तितर बितर हो गए, और इसलिए हमारी लाडली बहना इस चुनाव में उनको घर में बिठाएगी। सर, आप लोगों पर एक और आरोप लगा कि आप लोग पुलिस तंत्र का दुरुपयोग, चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं आप लोगों का साथ दे रहा है। विपक्ष के नेता संजय राउत का बयान आया कि आप लोगों ने 2019 में DGP के माध्यम से बाकायदा जो है रश्मि जी के माध्यम से आप लोगों ने फोन टैपिंग करवाई, शरद पवार का फोन टैप करवाया, नाना पटोले का फोन टैप करवाया,
फडणवीस जी को जानकारी दी, इस तरीके से तोड़ मरोड़ की सरकार बनी। अभी इस समय इलेक्शन के समय जब हम उन्हें चेंज करने के लिए कह रहे हैं तो चेंज नहीं किया जा रहा है, चुनाव आयोग भी ये कह रहा है झारखंड में बदल सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं बदल सकता? विपक्ष ने हमेशा जब फैसला उनके बाजू से आया तो चुनाव आयोग अच्छा, फैसला उनके बाजू से आया तो कोर्ट अच्छा, फैसला उनके खिलाफ गया चुनाव, फैसला उनके बाजू से आया तो ईवीएम मशीन सही बात। जब वो जीतते हैं तो बोले ईवीएम मशीन बराबर है, जब हारते बोले ईवीएम मशीन खराब है, चुनाव आयोग खराब है, न्यायालय के ऊपर भी आरोप लगाते हैं, उनको भी मार्गदर्शन करते, और अभी तो वोटर लिस्ट पे भी उन्होंने कुछ तो आक्षेप लिया है। जब उनको उनके बाजू से आता है फैसला तो वो यंत्रणा अच्छी, जब उनके खिलाफ जाता है तो यंत्रणा झूठी। ये आरोप लगाने की बात है, जब उनको हार दिखती है, उनको पता चलता है हारने वाले हैं तो बहाना तो चाहिए, वो बहाना पहले से बनाते हैं। सर महायुति में अगर सीट शेयरिंग की बात करें तो कई नेता जो उनको मनाने के लिए आप लोगों का क्या प्रयास चल रहा है, मीटिंग भी लगातार आप लोग कर रहे हैं, किस तरीके का प्रयास चल रहा है, कैसे? महायुति में देखिए ये चुनाव जब होते हैं तो हर पार्टी के कार्यकर्ता को लगता है कि उम्मीदवारी मिलनी चाहिए, ये कोई गलत बात नहीं है, गैर बात नहीं है, कार्यकर्ता काम करता है जरूर उसको लगता है। लेकिन जब हमारी पार्टी महायुति निर्णय लेती है तब हमारे कार्यकर्ता कोई भी बगावत नहीं करता है और वो सहयोग करता है, इसलिए महायुति में कोई अनबन नहीं है। जो दो चार जगह पर आगे पीछे वो भी सलट जाएगा, महायुति पूरी मजबूती से ये चुनाव को सामने जा रही है काम के बलबूते पर। 2 साल का काम हमारा, 2.25 साल का, 2.5 साल का उनका। चलो रिपोर्ट कार्ड देने वाली हमारी सरकार है, रिपोर्ट कार्ड देने वाला भी हिम्मतबाज होता है, हिम्मत लगती है, काम किया होना चाहिए तब रिपोर्ट कार्ड बनता है। मैं कहता हूँ दावे के साथ उनको, उन्होंने कहना चाहिए 2.5 साल में हमने ये काम किया, हम कहते हैं 2.25 साल में हमने ये काम किया, होने तो दूध का दूध पानी का पानी। नवाब मलिक पर आपकी क्या रिएक्शन है, क्या, क्योंकि बहुत ज्यादा नाराज दिखी और स्टैंड क्लियर कर दिया, हालांकि आपके शिवसेना आपके गुट के भी तमाम नेता सामने आए, उन्होंने भी बोला कि हम बिल्कुल नवाब मलिक के पक्ष में नहीं है, आपका क्या स्टैंड? हमारी भूमिका पहले से वही थी वही है, हमारा तो कैंडिडेट भी खड़ा है। तो आप लोगों की क्लियर है स्टैंड? क्लियर पहले जो था वो आज भी है, क्योंकि हम बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा वाले हैं, आनंद दिघे जी के विचारधारा वाले हैं, हम हमारा स्टैंड नहीं बदलते। आपको लगता है अजीत पवार इसमें पीछे स्टेप ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है आज कि 4 तारीख को पिक्चर जो है वो क्लियर, ठीक है ना, 4 तारीख को देखते हैं। अजीत पवार हमारे साथी है, सहयोगी है, हम सहयोग से काम करते हैं एक दूसरे की मदद से। सर आपकी एक नेत्री शाइना जी है जो कि मुंबा देवी से कंटेस्ट कर रही है, उनके ऊपर जिस तरीके से अपशब्द का प्रयोग किया यूबीटी के लीडर ने, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, एक बहन के बारे में ऐसी बातें करना ये बहुत ही निंदाजनक है, इसकी कितनी निंदा करे उतनी कम है। बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाले कहते हैं, और विचार कैसे है देखो, बाला साहब ठाकरे जी अभी रहते तो सही में मुंह तोड़ देते। मैं इतना ही कहूँगा, इनकी फितरत ही है ऐसी, हम गुवाहाटी में तब भी ऐसे ही उन्होंने बदनाम किया था हमारे महिलाओं को, हमारे बहनों को। अभी सारी बहनें ये आने वाले चुनाव में ऐसे जो बहनों का अपमान करने वाले लोग हैं उनको सबक सिखाएंगे, जरूर सबक सिखाएंगे। महाराष्ट्र की कुछ सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिसमें कि सारे कद्दावर नेता हैं, आपकी नजर है बारामती पे, पवार वर्सेस पवार की सामने की फाइट है, वर्ली सीट से सेना वर्सेस सेना की फाइट है, आप पूरे इसको कैसे देखते हैं? देखिए चुनाव तो चुनाव के जैसा लड़ा जाता है, फाइट तो होती है, हम किसी को कमजोर नहीं समझते, हमारी जनता जो है वो तय करती है किसको जिताना किसको हराना, इसलिए
चुनाव चुनाव की तरह हम लड़ते हैं, कोई भी चुनाव हो, और हम काम के बलबूते पे लोगों के सामने जाते हैं। डेवलपमेंट का एजेंडा हमारा है, डेवलपमेंट के एजेंडे पर हम काम करते हैं, हम चुनाव में सामने जा रहे हैं, हम फेक नैरेटिव नहीं फैलाते। ये कांग्रेस महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा में फेक नैरेटिव फैलाया, संविधान बदलेंगे, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान बदलेंगे, रिजर्वेशन ख़त्म करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, डराया धमकाया। लेकिन अभी महाराष्ट्र की जनता बहुत समझदार हो चुकी है, सजग हुई है, और आने वाले चुनाव में काम करने वाले लोगों के साथ खड़ी रहेगी, योजना देने वाले के साथ खड़ी रहेगी, घर में बैठने वालों के साथ नहीं, उनका साथ नहीं देगी। सर, राज ठाकरे आपके बहुत ही अच्छे मित्र रहे हैं, टिप्पणियां की जा रही है, उनके पुत्र हालांकि कंटेस्ट कर रहे हैं अमित ठाकरे, तो इसलिए लगातार टिप्पणियां हो रही है कि वो डरे हुए थे, पहले तो वही इंसान थे जो अमित शाह और मोदी को यहाँ पर आने से रोकते थे, आज उनका मुंह बंद हो गया है, आज वो कुछ नहीं बोल पाते हैं, उनके बेटे पर भी बहुत सारी फप्तियां कसी जा रही है, टिप्पणियां हो रही है, आप कैसे देखिए वो लोकसभा में हमारे साथ थे, मेरी उनकी बातचीत भी हुई थी कि क्या आपका क्या रणनीति है, तो कहे शिवसेना बीजेपी एनसीपी का होने दो, उसके बाद हम बात करते हैं। लेकिन उन्होंने तो डायरेक्ट कैंडिडेट खड़े कर दिए। अभी हमारा भी वहाँ पर जो दो तीन बार से विधायक है, हमारा पुराना कार्यकर्ता है, वो विधायक है वहाँ पर, उससे भी मैंने बातचीत की। उनके कार्यकर्ता इतने बहुत ही एग्रेसिव है चुनाव लड़ने में, तो कार्यकर्ताओं को भी ध्यान रखना चाहिए, हमें कार्यकर्ताओं का भी मनोबल टूटना नहीं चाहिए, यह भी नेता का काम होता है। और निश्चित रूप से आज की तारीख में हमारा शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी अजीत पवार, इनका गठबंधन है, हम उसी गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे आरपीआई के आठवले जी है, जन सुराज है, और हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव हम लड़ेंगे, जीतेंगे, बहुमत पाएंगे पूरी तरह। तो सवाल ये उठे कि जब एक नेता सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगा? दूसरी तरफ बड़े बड़े जो अभिनेता हैं जैसे कि सलमान खान है, इनको भी लगातार थ्रेटनिंग आना, इस तरीके की चीजें, तो कैसे तमाम जो बिंदु है जो देख रहे हैं उसको किस तरीके से आप कंट्रोल कर रहे हैं? राज्य की सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है, निश्चित रूप से सरकार की। जो घटना हुई है, वारदात हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जिन्होंने ये घटना की है, जो गुनाहगार है, उनको कई लोगों को हिरासत में लिया है, और इस घटना के रूट तक सरकार जाएगी, गृह विभाग जाएगा, और जो भी है इसमें उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक अंतिम सवाल सर, 2024 विधान जनता किस पर विश्वास करे, क्योंकि महाराष्ट्र में पहले शिवसेना जो स्ट्रॉन्ग एक पार्टी थी दो गुटों में बटी, एनसीपी दो गुटों में बढ़ गई, महायुति हो गई, महाअघाड़ी हो गई, पार्टियां अलग हो गई, सबके अलग अलग आइडियोलॉजी हो गए, तो जनता को सबने अपने अलग अलग वादे किए, अब जनता जाए तो जाए, कहां किस पर विश्वास करे, और अगर महायुति पर विश्वास करे तो उसकी क्या काम, डेवलपमेंट, राज्य का विकास, आम आदमी के जीवन में परिवर्तन, यही तो हमारी सरकार ने किया है। इसलिए जो काम करेगा, जो इस राज्य का विकास करेगा, उसी के साथ जनता जाएगी, और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने प्रूव किया है, उबाटा जो है यूबीटी, उससे हम 13 जगहों पर लड़े थे सामने सामने, हम 7 जगह चुनकर आए, उनके जितने भी गढ़ थे वो हमने तोड़ दिए, ध्वस्त हो गए, जनता ने तोड़ दिए, और जो ओरिजिनल शिवसैनिक है, वोट शेयर है, वो धनुषबाण के पास आया है, शिवसेना के पास आया है, तो इस चुनाव में भी उसी की पुनरावृत्ति होगी, और महायुति पूरी ताकत से मेजोरिटी पाएगी।
और आप ही के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार चलेगी, आप ही होंगे मुखिया, आप ही होंगे सीएम दोबारा से? अभी तो मैं यहाँ टीम का लीडर हूँ, हमारी टीम काम कर रही है, हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, हमारे पास हम टीम बनकर काम कर रहे हैं। और सामने मुझे बनाओ, मुझे बनाओ, मुझे बनाओ, मेरा चेहरा बनाओ, मेरा चेहरा बनाओ, ये क्या चल रहा है? अरे मुझे क्या मिला इससे, मैं जनता को क्या दूंगा, ये सोचने वाले लोग चाहिए। आज अगर उनके चेहरे पे ही उनकी अघाड़ी एमबीए में ही एकमत नहीं है तो महाराष्ट्र की जनता को कैसे वो पसंद होगा? इसलिए मैं आपको बताऊंगा, हमारे में कोई रेस नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य है महायुति की सरकार लाना, महायुति मेजोरिटी से लाना और राज्य का विकास करना, आम जनता को उनके जीवन में बदलाव लाना। लेकिन मुखिया का फेस तो एक ही होगा। हम तीन लोग हैं ना, टीम है हमारी, टीम वर्क है। तो दो छोटे मुखिया होंगे, एक बड़े मुखिया होंगे, ऐसा हम छोटे बड़े समझते नहीं। एक चीफ मिनिस्टर, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आप देखिए, आप दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर से पूछिए, हमने कभी फर्क नहीं किया, हमारा एक दूसरे के प्रति बहुत ही आदर सम्मान है। और देखो पद और होदे से क्या होता है, ये कोई परमानेंट होता है क्या? एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होता है, एक दूसरे के प्रति जो आदर सम्मान होता है, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारा क्या है, हमारा कहाँ नंबर है? आज पॉपुलैरिटी में कहते हैं कि मुझे कोई कह रहता कि नंबर वन पे एकनाथ शिंदे, अरे ये किस कौन देता है, ये जनता करती है सब, हम कौन होते हैं? और इसलिए हमारे में कोई कंपटीशन नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, इस राज्य में महायुति की सरकार लाना और अगले 5 साल इतना काम करना, इतना काम करना कि लोग याद रखें केंद्र सरकार, मोदी जी के आशीर्वाद हमारे साथ है और केंद्र सरकार की मदद हमें मिलेगी, सहयोग मिलेगा और हम राज्य को यूं आगे लेके जाएंगे, अगला 25 साल में 25 साल का काम करेंगे। और लगातार यही सुनने में आता है कि आप पीएम के एक फेवरेट सीएम में से एक है, आपको बहुत मानते हैं, चाहे मिनिस्टर हो वो भी आपको बहुत पसंद करते हैं, इस पसंद के पीछे वजह क्या है? मैं भी पीएम साहब को बहुत मानता भी हूँ, प्रेम भी करता हूँ, पसंद भी करता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत मेहनत करते हैं। एक दिन भी 10 साल में छुट्टी नहीं लेने वाला पीएम,